जेम्स क्लियर एक लेखक और वक्ता है जो आदतों, निर्णय लेने और निरंतर सुधार पर केंद्रित है। वह एटॉमिक हैबिट्स के लेखक है। इस पुस्तक की दुनिया भर में 9 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी है और 50 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रेरक विचार। अच्छी आदतें समय को अपना सहयोगी बनाती है, बुरी आदतें समय को अपना दुश्मन बनाती है। जब आप बेहतर बनकर नहीं जीत सकते, तो आप अलग होकर जीत सकते हैं। कुछ लोग अपना पूरा जीवन सुधार करने के लिए समय के सही होने की प्रतीक्षा में बिताते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं, वह उस प्रकार के व्यक्ति के लिए एक वोट है जिसे आप बनना चाहते हैं। आपकी दैनिक आदतों में थोड़ा सा बदलाव आपके जीवन को एक अलग मंजिल की ओर ले जा सकता है। सभी बड़ी चीजें छोटी शुरुआत से आती है। हर आदत का बीज एक छोटा छोटा निर्णय होता है। केवल पीछे ठोकर खाने के लिए बड़ी छलांग लगाने से बेहतर है कि सही दिशा में कई छोटे कदम उठाए जाएं। एक साधारण सा सवाल जो अक्सर मेरे व्यवहार को बदल देता है, क्या मैं इस पर जितना ध्यान दे रहा हूं, क्या वह इसके महत्व से मेल खाता है? हम सर्वोत्तम दृष्टिकोण का पता लगाने पर इतने केंद्रित हैं कि हम कभी भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सही आदत चुने और प्रगति आसान है, गलत आदत उठाओ और जीवन एक संघर्ष है। पहली गलती वह नहीं है जो आपको बर्बाद कर दे, यह बार-बार की जाने वाली गलतियों का चक्रव्यूह है। आपकी अच्छी आदतें की कीमत वर्तमान में है, आपकी बुरी आदतों की कीमत भविष्य में है। कभी-कभी सफलता अच्छी आदतों को आसान बनाने में कम और बुरी आदतों को कठिन बनाने में अधिक होती है। आप वास्तव में आदत ही नहीं चाहते हैं, आप वास्तव में जो चाहते हैं वह परिणाम है जो आदतें प्रदान करती है। मोशन आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप बस कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं। अपने वर्तमान साधनों से नीचे रहने से आपके भविष्य की साधनों में वृद्धि होती है। हमारी कई दैनिक आदतें उन लोगों की नकल है जिनकी हम प्रशंसा करते हैं। हम अक्सर छोटे अनुरोधों के लिए हाँ कहते हैं क्योंकि हम इसके बारे में पर्याप्त स्पष्ट नहीं है कि हमें इसके बजाय क्या करने की आवश्यकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा की कमी है, जब उनके पास वास्तव में अस्पष्टता की कमी होती है। बुरी आदतों को बदलने का पहला कदम है उनकी तलाश करना। जब तक हम वयस्क होते हैं, हम शायद ही कभी उन आदतों को नोटिस करते हैं जो हमारे जीवन को चला रही है। आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती है और आपकी पहचान आपकी आदतों को आकार देती है। यह दो तरफा सड़क है। अंततः यह प्रक्रिया के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है जो आपकी प्रगति को निर्धारित करेगी। केवल जब उन्होंने निरंतर छोटे सुधारों की एक प्रणाली लागू की, तो उन्होंने एक अलग परिणाम प्राप्त किया। एक नया विचार सीखना आपको प्रतिभाशाली नहीं बना देगा, लेकिन आजीवन सीखने की प्रतिबद्धता परिवर्तनकारी हो सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या आपकी आदतें आपको सफलता की राह पर ले जा रही है। हम सभी असफलताओं से निपटते हैं, लेकिन लंबे समय में हमारे जीवन की गुणवत्ता अक्सर हमारी आदतों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आदतें दो धारी तलवार होती है। बुरी आदतें आपको उतनी ही आसानी से गिरा सकती है जितनी अच्छी आदतें आपका निर्माण कर सकती है। 2, 5 या शायद 10 साल पीछे मुड़कर देखने पर ही अच्छी आदतों का मूल्य और बुरी आदतों की कीमत स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाती है। मुझे पता है कि अगर चीजें सुधरने वाली थी तो इसे करने के लिए मैं ही जिम्मेदार था। सफलता दैनिक आदतों का उत्पाद है, जीवन में एक बार होने वाले परिवर्तन का नहीं। प्रगति करने का एकमात्र तरीका
मेरे पास एकमात्र विकल्प था छोटी शुरुआत करना। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं बढ़ते हैं, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। एक दिशा निर्धारित करने के लिए लक्ष्य अच्छे होते हैं, लेकिन प्रगति करने के लिए प्रणालियां सर्वश्रेष्ठ होती है। हम विशेष रूप से 3 समूहों की आदत का अनुकरण करते हैं, गरीब, बहुत सारे, शक्तिशाली। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।